हेलो स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करता हूँ पिछला वीडियो को ही एक्सरसाइज टू पॉइंट टू आज लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन एट नाइन जो भी होगा साथ में डिस्कशन भी करेंगे तो यहाँ से शुरू करता हूँ ये लेट क्वेश्चन नंबर फाइव बोर्ड छोटा है ये हटा दूंगा फिर इसका आंसर करूंगा इसका आंसर करूंगा एक एक करके आप समझिए यहाँ देखता हूँ ये ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव समझिएगा लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव नहीं वन टू थ्री फोर सिक्स ओके लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए एक ही सेट ए मैंने फर्स्ट सेट भी ए सेकेंड सेट भी ए तो आर बी रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए दोनों एलिमेंट्स यहाँ का होना चाहिए और कंडीशन बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए कहने का मतलब ए कोमा बी लिखने से बी ये सेकेंड वाला डिविजिबल होना चाहिए मतलब समझाने के लिए बोलता हूँ इस तरह होना चाहिए सपोज टेन है सेकेंड वाला टेन है तो ये टू टू मतलब सेकेंड वाला टू से डिवाइड होगा थ्री नहीं हो सकता यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ यहाँ वन टू थ्री फोर सिक्स दिया हुआ ये डिविजिबल समझाने के लिए सेकेंड वाला डिविजिबल बाय फर्स्ट होना चाहिए मतलब थ्री कॉमा टेन नहीं हो सकता है टेन इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री लेकिन टू कॉमा टेन हो सकता है टेन इज डिविजिबल बाय टू इसी बात को हम लोग कह सकते हैं जे सेकेंड वाला इज डिविजिबल बाय टू या सेकेंड वाला इज मल्टीपल ऑफ टू एक ही तो बात तो जैसा भी हो तो ये सब हमको खोज खोज के लिखना है कि पहला वाला का मल्टीपल सेकेंड वाला हो और फर्स्ट एलिमेंट भी यहाँ से लिया जाए सेकेंड एलिमेंट भी यहीं से लिया जाए तो सेकेंड वाला मल्टीपल होना चाहिए ऑफ फर्स्ट एंसर देखिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन है ये सब जितना बड़ा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एंसर सिर्फ एक लाइन दो लाइन का सभी का है माने क्वेश्चन से छोटा एंसर लेट ए इक्वल टू देख लिए ए कमा बी ए कमा बी बिलोंग्स टू ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए एक नंबर राइट आर इन रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में आर लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है फर्स्ट कुछ भी लिखे यहां से एलिमेंट वन सेकेंड वाला वन का ही मल्टीपल होना चाहिए वन सेकेंड वाला टू भी हो सकता है वन का मल्टीपल सभी होता है वन थ्री वन फोर वन सिक्स कॉमा अब टू से लिखता हूं टू टू का मल्टीपल पहले टू फिर टू का मल्टीपल फोर फिर टू का मल्टीपल सिक्स टू से हो चुका अब थ्री से थ्री थ्री का मल्टीपल थ्री थ्री का मल्टीपल सिक्स फोर से फोर का मल्टीपल फोर फोर का सेकेंड मल्टीपल एट होता है जो नहीं है खत्म कहानी सिक्स का मल्टीपल सिक्स नेक्स्ट मल्टीपल ट्वेल्व इसमें है हाँ ही नहीं तो ये कॉमा इसका मल्टीपल या इसी को बोलिए सेकेंड वाला इज डिविजिबल बाई फर्स्ट ये सेकंड वाला वन से सभी डिवाइड होता है इससे सेकेंड में सभी आ जाएगा वन के साथ में सेकेंड वाला डिविजिबल बाई फर्स्ट सेकेंड डिविजिबल बाई फर्स्ट सेकेंड डिविजिबल बाई फर्स्ट तो ये रहा रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर ऑल राइट फाइंड द डोमेन ऑफ आर डोमेन ऑफ आर माने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर डोमेन ए लिख देता हूं डोमेन इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट वन टू थ्री फोर सिक्स फर्स्ट एलिमेंट वन फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट थ्री फर्स्ट एलिमेंट फोर फर्स्ट एलिमेंट सिक्स डोमेन ऑल द फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाला पार्ट या ए वाला पार्ट रेंज रहा रेंज ऑफ आर इक्वल टू रेंज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट वन टू थ्री फोर सभी है वन टू थ्री फोर सिक्स वही सेम सेट आ गया डोमेन भी वही रेंज भी वही मल्टीपल देख लीजिए वन टू थ्री फोर सिक्स टू फोर सिक्स रिपीट हो चुका थ्री सिक्स तो अल्टीमेट सेकेंड वाला एलिमेंट सब रेंज क्वेश्चन नंबर फाइव इतना ही आंसर था रोस्टर फॉर्म में लिखे डोमेन लिखे रेंज लिखे रोस्टर फॉर्म में, में, में लिख दो पहला एलिमेंट सब डोमेन में लिख दे सेकेंड एलिमेंट रेंज में लिख दे ओके okay? क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेता हूं तब नीचे वाला मिटा दूंगा डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय ए आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कमा एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ये लिखता हूं रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म ऐसा ड्रेस दे के आर इक्वल टू रोस्टर फॉर्म एक्स का वैल्यू लेना बोला है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ले तो एक्स का वैल्यू जीरो कमा जीरो प्लस फाइव तो फाइव वन टू फाइव तक वन लेने से वन वन प्लस फाइव सिक्स टू सेवन थ्री एट थ्री जीरो है फोर नाइन और फाइव फाइव टेन एक्स का वैल्यू जीरो लिए तो वाई का वैल्यू या एक्स प्लस फाइव ये सब लिख दिया ये रोस्टर फॉर हो चुका है क्वेश्चन था फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डोमेन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड रेंज इक्वल टू सेकेंड वाला एलिमेंट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कंप्लीट अगर फिगर में दिखलाना चाहे तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं जीरो का इमेज फाइव वन का इमेज सिक्स टू का इमेज सेवन थ्री का इमेज एट फोर का इमेज नाइन फाइव का इमेज टेन ऐसा एरो मार्के ऑल राइट अब हम क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ये एरो डायग्राम में लिख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फोर में डिस्कस किया गया है कि आपको वेरो डायग्राम दे दिया गया है ये कनेक्शन निकालिए सब बोला एक लाइन का आंसर सिंपली r x, y सच दैट वो सच दैट वाला कनेक्शन आप लिखें यहां बोला है शो द फिगर शोस ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स p एंड q राइट दिस रिलेशन माने ये वाला फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं वो वाला लिखें यह वाला स्टेटमेंट लिखें आर इक्वल टू एक्स कमा वाई ये सब है आपका एक्स ये सब है वाई क्या कनेक्शन दिखता है मैं इस तरह से देख रहा हूँ फाइव है तो थ्री सिक्स है तो फोर सेवन का फाइव अरे डिफरेंस टू दोनों सब में थर्टिस्फाई होना चाहिए सबका डिफरेंस टू मतलब एक्स फाइव माइनस थ्री टू सिक्स माइनस फोर टू सेवन माइनस फाइव टू यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू बात करता और एक्स भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू फाइव सिक्स सेवन बस काफी है एक्स है क्या या बिलोंग्स टू नहीं लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं तो दे के, okay? तो के वैल्यू ये गलती लिख दिया क्या एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री एक्स का वैल्यू फाइव वाई का वैल्यू थ्री फाइव माइनस थ्री इक्वल टू टू ओके ये क्वेश्चन नंबर फोर सब एक लाइन का क्वेश्चन नंबर थ्री सेट ए दिया हुआ है बी दिया हुआ ओके सॉल्यूशन ए दिया हुआ आपका वन टू थ्री फोर फाइव एंड बी सेट है फोर सिक्स नाइन डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय एक्स कॉमा वाई आर को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में एक्स कॉमा वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड ओके एक्स एलिमेंट पहला पहला सेट का होना चाहिए वाई एलिमेंट दूसरा दूसरा सेट का होना चाहिए अगर फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं वह डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एक्स का एलिमेंट ए वाई का एलिमेंट यहाँ से तो एक्स का वैल्यू वन लेता हूँ तो वन के साथ किसका डिफरेंस ऑड होगा फोर का होगा ये दोनों का डिफरेंस इज थ्री अगर आप कंफ्यूज होते हैं वन माइनस फोर नेगेटिव हो जाता है फोर माइनस वन पॉजिटिव हो जाता है भाई उतना मत सोचो डिफरेंस अंतर दोनों में थ्री होना चाहिए ऑड होना चाहिए तो वन के साथ फोर वन के साथ क्या और भी हो सकता है क्या वो सभी लिखेंगे वन कामा फोर इन दोनों का डिफरेंस ऑड ऑल राइट वन कोमा सिक्स इन दोनों का डिफरेंस फाइव है ऑड है ये भी करेक्ट है वन कॉमा नाइन इन दोनों का डिफरेंस एट हो जाता है और नहीं है मतलब ये नहीं होगा वन के साथ फोर आया वन के साथ सिक्स आया टू के साथ अब टू के साथ फोर नहीं होगा टू के साथ सिक्स ये भी नहीं होगा इन दोनों का डिफरेंस टू और फोर का डिफरेंस इवेन होता है यानी टू के साथ फोर भी नहीं टू के साथ सिक्स भी नहीं टू के साथ नाइन टू का हो चुका थ्री के साथ अब थ्री के साथ फोर डिफरेंस वन और थ्री के साथ सिक्स डिफरेंस थ्री है ऑड है थ्री के साथ नाइन नहीं होगा थ्री और नाइन में डिफरेंस सिक्स होता है और सिक्स है फोर के साथ फोर कमा फोर नहीं होगा फोर कमा सिक्स ये भी नहीं होगा फोर कमा नाइन होगा डिफरेंस ऑड होना चाहिए फोर के साथ सिर्फ एक एलिमेंट आया फाइव के साथ फोर होना चाहिए डिफरेंस ऑड आता है फाइव के साथ सिक्स भी होना चाहिए ड है फाइव के साथ नाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइव और नाइन में फोर का डिफरेंस है और फोर है ये रोस्टर फॉर्म है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म ये कंप्लीट है थ्री नंबर क्वेश्चन इधर में सिक्स तक कर चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं क्वेश्चन नंबर सेवन राइट द रिलेशन आर एक्स कमा एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन इन रोस्टर फॉर्म सभी क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन का आंसर है एक्स आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब और एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन टेन प्राइम नंबर टू से शुरू होता है टू प्राइम नंबर थ्री प्राइम नंबर फोर नहीं फाइव देन प्राइम नंबर सेवन लेस देन टेन में ये प्राइम नंबर पहला वाला एक्स है प्राइम नंबर सब टू थ्री फोर नहीं फाइव सिक्स नहीं सेवन एट नाइन नहीं टेन के नीचे टू थ्री फाइव सेवन प्राइम नंबर ये देखा कॉमा उसका क्यूब इसका क्यूब एट थ्री का क्यूब थ्री थ्री या नाइन ट्वेंटी सेवन फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव और सेवन का क्यूब फोर्टी नाइन इंटू सेवन थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री क्वेश्चन था राइट द रिलेशन आर एक्सकोमा एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन इन रोस्टर फॉर्म ये रोस्टर फॉर्म में लिख चुके इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ये है इलेवन में रिलेशन का थोड़ा बेसिक आइडिया लो और डिटेल आप ट्वेल्व में पढ़ो इसलिए यहाँ हर क्वेश्चन इजी इजी दिया गया है जिससे आप इतना कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ सके फिलहाल क्वेश्चन सेवन कर लिया हैं इसको हटाते हैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे पहले ये कर लूँ लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू वन टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और एक बात कह देना चाहता हूँ क्लास इलेवन हमेशा मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है सर एग्जाम में किस तरह का आएगा तो मैं बोलता हूँ एग्जाम में इसी तरह का आएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिखने में लंबा लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर वन मार्क या टू मार्क मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में लिखने दिया वन मार्क डोमेन लिखो वन मार्क रेंज लिखो वन मार्क ए वन प्लस वन प्लस वन लंबा भी हो जाता है लेकिन बिल्कुल इजी एकदम इजी तो लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड बी इक्वल टू वन टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये तो शुरुआत में ही बात कर चुके हैं सोल्यूशन में नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू टू का पावर एम एन ये फॉर्मूला के तौर पे ले सकते हैं टू का पावर एम माने कितना एलिमेंट है थ्री कितना एलिमेंट है टू टू का पावर सिक्स निकाल दो क्या टू 2, टू 2 8 एट एट ओके नंबर ऑफ इलेन सिक्सटी फोर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नो डाउट वन मार्क के लिए ही क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन ये देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एन में ये एक तरीका हमने मैंने जो फॉलो किया हर एक लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता छिपा कि वो आपको आगे तक लीड करेगा तो ये लास्ट क्वेश्चन ये आपको ट्वेल्व तक पहुंचाएगा इस तरह से लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड यहीं से अंतर शुरू हो गया पहले रिलेशन सब ऑन सेट ए चार एलिमेंट पांच एलिमेंट इस तरह से रहता था लेकिन लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड जेड खुद एक इनफाइनाइट सेट है अच्छा उस पर रिलेशन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू जेड माने इंटीजर इंटीजर मतलब जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू ये सब तो सेट ऑफ इंटीजर्स सोल्यूशन में ये समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूँ जेड इक्वल टू जीरो वन टू डॉट 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 माइनस वन माइनस टू इधर से डॉट डॉट ये आंसर का पार्ट नहीं आप लिखे तो ठीक है नहीं लिखे तो भी ठीक है कोई बात नहीं डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी आर इक्वल टू ए कॉमा बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड नहीं लिखता लिख और ए माइनस बी इज ए माइनस बी इज एन इंटीजर क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर रोस्टर फॉर्म में लिखने नहीं बोला गया है लेकिन हम समझने के लिए रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा भी जरूर लिखेंगे जिससे कि क्लियरली समझा सकूं। इक्वल टू पहला एलिमेंट भी जेड का होना चाहिए दूसरा एलिमेंट भी जेड का होना चाहिए और डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए भाई इंटीजर यहां से कोई भी एलिमेंट लो और कोई भी एलिमेंट लो हमेशा इंटीजर ही होगा मतलब जीरो के साथ जीरो भी लिख सकते हैं जीरो के साथ वन भी लिख सकते हैं जीरो के साथ टू भी लिख सकते हैं जीरो के साथ माइनस वन भी जीरो के साथ माइनस टू भी सबके सब साथ होगा वन के साथ वन वन के साथ टू वन के साथ माइनस वन सभी का साथ कोई भी दो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है तो कुछ समझने वाला भी बात है ये रोस्टर फॉर्म में लिखने नहीं बोला गया था ये समझाने के लिए लिखा ज़रूर लिखिएगा इसको यहाँ से हम आइडिया निकलता है आंसर आपका फाइंड द डोमेन डोमेन माने फर्स्ट एलिमेंट सब अभी हमने बात किया फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का हर एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट हो सकता 0 1 minus, है जीरो लेके वन लेके टू लेके माइनस सब एलिमेंट इन्वॉल्व है फर्स्ट आने के लिए अल्टीमेट डोमेन इक्वल टू जेड पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स और रेंज भी सेकेंड एलिमेंट भी सभी एलिमेंट हो सकता है तो रेंज भी जेड ये कॉम्प्लीट रहा आंसर इसका डाउट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूंगा इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में है उसको पढ़ाई करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे आप प्लीज देखते